Hello, I welcome you all once again to my channel Explore Education. I am Dr. Rashmi Singh, Assistant Professor, Department of Education, SS Khanna Girls Degree College, University of Allahabad. And this time, I am going to discuss with you a new topic in educational administration, that is system error in educational administration. So, आपको ये पता है कि हम शैक्षिक प्रशासन में जो कुछ भी पढ़ते हैं वो सब पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन से हमने लिया है, यानी कि वो सारी थ्योरीज वो सब पब्लिक एड की हैं, हमने उसको एजुकेशन के फील्ड में उसको अप्लाई करते हैं. जैसे पब्लिक एड में ऑर्गेनाइजेशन का मतलब कोई फर्म हो गया, कोई कंपनी हो गई, यहाँ ऑर्गेनाइजेशन का मतलब एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है. तो आपको इस तरीके से इसे समझना है. तो सिस्टम एरा इन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी कब आ रहा है सिस्टम एरा प्रशासनिक सिद्धांतों में? तो द कंसेप्ट ऑफ द सिस्टम एरा इन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी रिफर्स टू ए पीरियड कैरेक्टराइज्ड बाय द अंडरस्टैंडिंग एंड एप्लीकेशन ऑफ सिस्टम्स थिंकिंग विद इन द फील्ड ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन. यानी कि लोक प्रशासन के क्षेत्र में जब सिस्टम थिंकिंग की बात आई तो उसी के अनुप्रयोग से सिस्टम थ्योरी सिस्टम एरा आता है. दिस अप्रोच एम्फेसाइजेस इस अप्रोच की खास बात क्या है, द इंटर रिलेटेडनेस ऑफ वेरियस कॉम्पोनेंट्स विद इन एन ऑर्गेनाइजेशन. भाई सिस्टम से समझ में आ रहा है ना कि एक सिस्टम है, यानी कि सारी जो उसके कॉम्पोनेंट्स हैं, उसके घटक हैं, वो बिखरे हुए नहीं है बल्कि वो जुड़े हैं. एक होलिस्टिक परस्पेक्टिव है, एक इंटर रिलेटेडनेस है. एक में प्रभाव होगा तो दूसरे पर उसका प्रभाव पड़ेगा. एंड हाउ दे कलेक्टिवली कॉन्ट्रीब्यूट टू अचीविंग ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स. यानी हमको अलग अलग नहीं, सबका कंपोजिट एक ही तो गोल है ना कि ऑर्गेनाइजेशन का की बढ़ोतरी हो, उसका प्रॉफिट हो, उसका बिजनेस अच्छा हो पब्लिक एड के क्षेत्र में. तो यहाँ पे भी हमको यही देखना है कि सारे कॉम्पोनेंट्स में इंटर रिलेटेडनेस है, सब एक दूसरे पर प्रभावित हैं, एक दूसरे पर प्रभाव डालते हैं, और कैसे वो सब एक साथ मिलकर जो आपकी संस्था है उसके गोल्स को अचीव करने में हेल्प करेंगे. द सिस्टम एरा emerged as a response to earlier theories that focused more on hierarchical structures and bureaucratic processes such as classical public administration theory. और ये जो सिस्टम मेरा आ रहा है, ये किसके खिलाफ या किसके विरोध में प्रतिक्रिया कह सकते हैं आप, या किसकी प्रतिक्रिया के फलस्वरूप आ रहा है कि जो पहले की थेरीज थी वो हायरार्किकल है कि ये बॉस है, ये उसका सबॉर्डिनेट है, ये लोअर क्लास है, ये अपर क्लास है, ऐसे नहीं, और ब्यूरोक्रेसी के रिस्पॉन्स में ये आ रहा है सिस्टम मेरा. यानी कि यहाँ पे इंटर रिलेटेडनेस है, यहाँ कलेक्टिव अप्रोच है, यहाँ होलिस्टिकनेस है, ये सारी बातें यहाँ निकल के आएंगी. तो कहा जा रहा है कि सिस्टम थिंकिंग की वजह से सिस्टम एरा आया. तो सिस्टम थिंकिंग क्या है? सिस्टम्स थिंकिंग इन्वॉल्व्स व्यूइंग ऑर्गेनाइजेशंस एज कॉम्प्लेक्स एंटिटीज कंपोज्ड ऑफ इंटरडिपेंडेंट पार्ट्स दैट वर्क टुगेदर टू अचीव कॉमन ऑब्जेक्टिव्स. यही सिस्टम थिंकिंग है कि आप ऑर्गेनाइजेशन को एक कॉम्प्लेक्स एंटिटी मानिए जिसमें कि जितने भी उसके पार्ट्स हैं वो सब एक दूसरे पर निर्भर हैं और सब मिलकर समान उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए काम करते हैं. दिस पर्सपेक्टिव गेन्ड अट्रैक्शन ड्यूरिंग द मिड 20th सेंचुरी व्हेन स्कॉलर्स बिगेन टू रिकॉग्नाइज दैट ट्रेडिशनल अप्रोचेस व्हिच ऑफन आइसोलेटेड इंडिविजुअल कंपोनेंट्स वर इनसफिशिएंट फॉर एड्रेसिंग द कॉम्प्लेक्सिटीज ऑफ मॉडर्न गवर्नेंस. ये पाया गया कि जब गवर्नेंस के क्षेत्र में भी आधुनिकता आ रही है तो आप कॉम्पोनेंट्स को अगर एक दूसरे से आइसोलेट मानेंगे, विलगित मानेंगे, अलग थलग मानेंगे और उन पर उस तरह से कि ये अलग है वो अलग, नहीं, ऐसे नहीं, सब एक साथ कंपोजिट हैं और सब एक साथ ऑर्गेनाइजेशन के गोल की तरफ काम करें तभी काम बनेगा. क्यों? क्योंकि मॉडर्न गवर्नेंस कॉम्प्लेक्स हो गया है. The system era encourages administrators to consider not only their immediate environment but also external factors that influence organizational performance. आपको सिस्टम अप्रोच याद होगी तो उसमें हम लोग कैसे पढ़ते हैं, इनपुट आउटपुट प्रोसेस, फिर उसमें फीडबैक भी होता है. हम ये भी पढ़ते हैं क्लोज सिस्टम क्या है, ओपन सिस्टम. तो हमारा एजुकेशनल सिस्टम तो ओपन सिस्टम है ना, तो हमको एक्सटर्नल एनवायरनमेंट भी देखना है, यानी कि किस लोकेलिटी का वो हिस्सा है, किस कम्युनिटी का है. तो बाहर से रिसोर्स अंदर आ रहा है, अंदर से बाहर जा रहा है, तो हमको एक्सटर्नल फैक्टर को भी देखना है जो कि ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को प्रभावित करता है ना. यानी कि सिर्फ इमीडिएट एनवायरनमेंट को नहीं, एक्सटर्नल फैक्टर पे भी ध्यान देना होगा. तो की कैरेक्टरिस्टिक्स की अगर बात करें, मुख्य गुण क्या है सिस्टम एरा के, होलिस्टिक अप्रोच. बार बार ये बात आ रही है कि एडमिनिस्ट्रेटर्स आर इनकरेज्ड टू अडॉप्ट ए होलिस्टिक व्यू कंसिडरिंग हाउ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स एंड फंक्शंस इंटरैक्ट विद वन अनदर. दिस कंट्रास्ट विद अर्लियर मॉडल्स दैट एम्फसाइज स्ट्रिक्ट हायरार्कीज एंड कंपार्टमेंटलाइजेशन. कंपार्टमेंट्स नहीं है कि एक कंपार्टमेंट का दूसरे से कोई लेना देना नहीं, क्लोज सिस्टम नहीं है, ओपन सिस्टम है, हर तरफ आ रहा है, आपका रिसोर्स आ रहा है, जा रहा है, कोई स्ट्रिक्ट हायरार्की नहीं फॉलो करनी, बल्कि होलिस्टिक अप्रोच लेकर चलना है, इंटरडिपेंडेंट
हैं सब एक दूसरे पर. फीडबैक लूप्स, दिस सिस्टम एरर हाइलाइट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ फीडबैक मैकेनिज्म्स विद इन ऑर्गेनाइजेशंस. दीज लूप्स अलाउ फॉर कंटिन्यूअस इंप्रूवमेंट बाय इनेबलिंग एडमिनिस्ट्रेटर्स टू असेस आउटकम्स एंड एडजस्ट स्ट्रेटजीज अकॉर्डिंगली. मतलब कि हम कोई भी काम करेंगे उसका फीडबैक लेंगे, फिर फीडबैक के हिसाब से अगर हमको समझ में आएगा कि उसमें कोई कमी है तो उसको सुधारेंगे, फिर करेंगे, फिर फीडबैक लेंगे. तो मतलब लगातार फीडबैक लेने से हम स्ट्रेटजीज को एडजस्ट कर सकते हैं जैसा कि हमारा आउटकम हम चाहते हैं उसके हिसाब से, है ना. फिर एडेप्टेबिलिटी, अनुकूलन की क्षमता है इसमें. ऑर्गेनाइजेशन आर व्यूड एज डायनेमिक एंटिटीज ना, हम आज जैसे हैं वैसे ही कल थोड़ी रहेंगे ना, हम आज जैसे हैं वैसे कल थे, यानी कि हम चेंज हो रहे हैं लगातार, डायनेमिक है. दैट मस्ट अडेप्ट टू चेंजिंग एनवायरमेंट. इसका सबसे फेमस एग्जाम्पल है कि ऑनलाइन, कोई ऑनलाइन इतना कुछ नहीं हो रहा था, लेकिन कोरोना के बाद सबने अडेप्टेबिलिटी अपनाई और ऑनलाइन को अपना लिया. This adaptability is crucial for effective governance in an increasingly complex world. वो संसार जो दिन पर दिन जटिल होता जा रहा है उसमें अगर गवर्नेंस की इफेक्टिवनेस चाहिए तो adaptability आप में होनी चाहिए. Thinking by alternatives, systems theory encourages thinking about options and variants of principles, concepts and details. यानी कि आपको हमेशा plan B लेकर भी चलना पड़ेगा कि अगर ये fail हुआ तो क्या करेंगे. सिर्फ एक plan पे आप dependent नहीं रह सकते. Interdisciplinary integration, this system era promotes borrowing concepts from various disciplines such as sociology, economics and psychology to enhance understanding and improve administrative practices. भाई ज्ञान तो ज्ञान है ना, हमने उसको नाम दे दिया कि समाजशास्त्र में ये पढ़ना है और अर्थशास्त्र में ये पढ़ना है, लेकिन किसी कंसेप्ट को समझने के लिए हम डिफरेंट डिसिप्लिन से कंसेप्ट को बोरो कर सकते हैं, अंडरस्टैंडिंग को इनहेंस कर सकते हैं. और आजकल इंटरडिसिप्लिनरी इंटीग्रेशन पर बहुत बल भी है, है ना. फिर प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस अगर आप इसके देखें कि प्रायोगिक इसके अनुप्रयोग क्या है, तो कोलैबोरेटिव गवर्नेंस, encouraging partnership between government agencies, non-profits and community stakeholders fosters a more integrated approach to problem solving. यानी कि सब लोग मिलके governance में सबका साथ हो, government agencies भी हो, non-NGOs भी हो, आपके community के stakeholders भी हो, तो बेहतर होगा. E-governance, utilizing technology, बिना technology के तो कोई बात करना सार्थक नहीं है अब, तो utilizing technology enhances communication between stakeholders of educational system and government entities while streamlining processes through interconnected systems. And performance measurement system, implementing metrics that assess both students' performance and overall organizational effectiveness, aligns with systems thinking principles by recognizing interdependencies among various functions. यानी कि हम बार बार आउटकम भी चेक करते रहेंगे, ऐसा नहीं कि सिर्फ काम चल रहा है. परफॉर्मेंस मेजरमेंट सिस्टम होंगे, स्टूडेंट के लिए अलग होगा, ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए अलग होगा. आप तो जान रहे हैं आजकल कितना आपका नैक पे और इन सारे NIRF ASH और इन सब पर कितना बल है कि आपको परफॉर्मेंस का तो मेजरमेंट होना पड़ेगा, तभी आपकी आगे की ग्रोथ उसी के हिसाब से सुनिश्चित होगी. और अगर हम कंक्लूड करना चाहें तो दिस सिस्टम एरा रिप्रेजेंट्स अ सिग्निफिकेंट इवोल्यूशन इन एडमिनिस्ट्रेटिव थ्योरी बाय प्रमोटिंग अ कॉम्प्रिहेंसिव अंडरस्टैंडिंग ऑफ ऑर्गेनाइजेशंस एज इंटरकनेक्टेड सिस्टम. सबसे खास बात यही है कि जो भी आपके कंपोनेंट हैं वो सब एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, उनको आइसोलेटेड तरीके से अगर आप फील करेंगे, डील करेंगे, तो आपका काम नहीं चलेगा. This paradigm shift has profound implications for how educational administrators approach governance challenges today. यही सिस्टम एरा है, इसको पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में समझ लीजिए, एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन में समझ लीजिए, बस उसका पब्लिक और एजुकेशन के ऑर्गेनाइजेशंस बदल जाएंगे, बाकी वही है. और रेफरेंसेस में इसमें मैक्स वेबर की इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वुड्रो विल्सन का द स्टडी ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन और फॉक्स एंड मिलर्स का पोस्ट मॉडर्न पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ब्यूरोक्रेसी मॉडर्निटी एंड पोस्ट मॉडर्निटी को देखा गया है. मैक्स वेबर का ये फंक्शनल टेस्ट है सोशियोलॉजी में, इकोनॉमी एंड सोसाइटी, वुड्रो विल्सन का ये एक इन्फ्लुएंशियल एसे है पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन पर, और फॉक्स एंड मिलर का जो है ये क्रिटिकल एग्जामिनेशन है ट्रेडिशनल पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन फ्रेमवर्क को एक पोस्ट मॉडर्न लेंस से देखा गया है कि हाउ कंटेम्प्रेरी चैलेंजेस नेसेसिटेट न्यू थ्योरेटिकल पर्सपेक्टिव्स इन गवर्नेंस. और आप कह सकते हैं कि यहीं से सिस्टम में आया है, है ना, कि हमको इंटरकनेक्टेडनेस देखना है, आपको होलिस्टिक रहना है, आपको कोलैबोरेशन देखना है, आपको ई गवर्नेंस की भी बात करनी है. तो ये सिस्टम है, सिस्टम के सारे पार्ट्स अलग अलग नहीं है, जैसे कहते हैं ना कि इट इज मोर देन सम ऑफ इट्स पार्ट्स, जैसे कि आप जेस्टाल्ट थ्योरी में पढ़ते हैं, ठीक है. सो इन दिस वे आई हैव कंप्लीटेड सिस्टम एरा इन एजुकेशनल एडमिनिस्ट्रेशन. सो थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल एक्सप्लोर एजुकेशन.